बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी लोग कभी नहीं सोचते कि वो एक दिन इस संसार में नहीं रहेंगे, और ज्ञानी लोग जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो उनके सभी गलत विश्वासों को एक दिन मिटा देगा। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इस सूत्र को इस कहानी से समझिए। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मनुष्य के जीवन में इतना दुख है, परंतु वह फिर भी बुरे कृत्य करना क्यों नहीं छोड़ता? मनुष्य जानता है कि ईर्ष्या, अहंकार बुरी चीजें हैं, परंतु वह फिर भी इन्हें अपने भीतर क्यों पालता है? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, जीवन में दुख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु जो सबसे मूल कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वह तथागत ने कई बार बताया है। बुद्ध ने कहा है, अज्ञानी लोग कभी नहीं सोचते कि वो एक दिन इस संसार में नहीं रहेंगे, और ज्ञानी लोग यह जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो उनके सभी गलत विश्वासों को एक दिन मिटा देगा। इसलिए ज्ञानी लोग अहंकार, ईर्ष्या और लालच जैसी चीजों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते, जिसके कारण दुख उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। इस जीवन में दुख केवल उसी को दुखी कर सकता है जिसे लगता है कि वह अमर है। जिस व्यक्ति को पता है कि यह जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है, वह भला कैसे पाप कर सकता है? वह कैसे कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जो अमानवीय है? हर पाप या बुरे कृत्य की जड़ में एक झूठ होता है, और उस झूठ का नाम है सुख। कोई भी व्यक्ति इसलिए बुरे कृत्य नहीं करता क्योंकि उसे बुरे कृत्य करना अच्छा लगता है। वह इसलिए बुरे कृत्य करता है क्योंकि उसे लगता है कि इन कृत्यों से उसे सुख मिलेगा। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, मनुष्य उस झूठ को देख क्यों नहीं पाता जिस झूठ के कारण वह पाप करता आ रहा है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने इस जीवन का आधार ही झूठ बना रखा है। उन्हें लगता है कि मृत्यु औरों के लिए है, उनके लिए तो केवल जीवन है। जब वे किसी मृत शरीर को देखते हैं तो उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता कि मृत्यु क्या है, क्यों घटती है, क्या यह मेरे साथ भी घटेगी, और अगर घटेगी तो इस जीवन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं है और हर मनुष्य के भीतर ये होते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इन्हें नकार देते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत ही झूठ से हुई है कि मृत्यु उनके लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार ले कि यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, शायद अगले ही क्षण समाप्त हो जाए, तो एक बात पक्की है कि आप पाप नहीं कर पाएंगे, आप किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे।